गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम तियरा फ्रॉम रेडियंट पब्लिक स्कूल। अकॉर्डिंग टू आवर रूटीन, टुडे इज थर्सडे, सो वी आर गोइंग टू रीड कंप्यूटर क्लास 4, लेसन नंबर 2। टॉपिक नेम इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जैसा कि इसका हाफ पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है, पार्ट 1 में, और इसका सेकेंड पार्ट हम पार्ट सेकेंड, मतलब यानी सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आई एम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट कैन बी मूव्ड एट डिफरेंट एंगल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द डिवाइस। पीपल यूज जॉयस्टिक टू प्ले गेम्स। जॉयस्टिक का यूज हम लोग क्या करते हैं, गेम खेलने में करते हैं। जॉयस्टिक हैज मेनी बटन्स विच कैन बी यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। और जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, लाइट पेन। अ लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक अ वॉन्ड। इट कैन बी यूज टू चूज अ मेनू ऑप्शन। द पेन कैन ऑल्सो बी यूज डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन फॉर मेकिंग ड्रॉइंग एंड ग्राफिक्स। जो लाइट पेन होता है, इसका यूज हम सॉफ्ट कॉपी पे करते हैं, यानी कि स्क्रीन पे करते हैं। ठीक है, जिसपे हम ग्राफिक्स और ड्रॉइंग बनाने के लिए लाइट पेन का यूज करते हैं। जैसे हम कॉपी पे पेन का, जो जिस पेन का यूज करते हैं उसको हम पेन बोलते हैं ना, उसको पेन को किस कॉपी पे, किस पेज पे यूज करते हैं, हार्ड कॉपी पे। ठीक है, ऐसे पेज पे। लेकिन लाइट पेन को हम स्क्रीन पे यूज करते हैं, यानी सॉफ्ट कॉपी पे। द पेन कैन ऑल्सो यूज डायरेक्टली ऑन स्क्रीन फॉर मेकिंग ड्रॉइंग और ग्राफिक्स। इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अ माउस बट इट इज मच मोर कॉस्टली। इट इज मेनली यूज बाई इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर एंड डिजाइनर्स। ठीक है, ये वो लोग यूज करते हैं, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, और डिजाइनर्स यूज करते हैं। द फर्स्ट लाइट पेन वॉज यूज इन अराउंड 1957। जो फर्स्ट लाइट पेन कब यूज हुआ था, 1957 के आसपास। बार कोड रीडर। दिस इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैन रीड बार कोड्स। अ बार कोड इज अ पैटर्न ऑफ थिक एंड थिन लाइन्स दैट इज प्रिंटेड ऑन द पैकेजिंग ऑफ थिंग दैट यू बाय एट अ शॉप। जो कि हम लोग दुकान से या मॉल से जो भी सामान खरीदते उस पर एक लाइनिंग करके होता है ना, बारकोड रहता है, उसको रीड करके और थिन लाइन को रीड करके बारकोड हमारा बताता है। अ बारकोड रीडर हैज अ लाइट सोर्स एंड अ लेंस। इट रीड्स व्हाट इज देयर ऑन द बारकोड एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। वो बारकोड रीडर उस प्रोडक्ट से बारकोड को रीड करके कंप्यूटर में इनपुट करता है, यानी सेंड करता है, और फिर हमारा बिलिंग या फिर जो प्रोसेस होता है वो होता है। ठीक है, अ स्कैनर। स्कैनर इज द आई ऑफ कंप्यूटर। स्कैनर क्या है, स्कैनर को हम आई ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, यानी कंप्यूटर का आंख भी बोलते हैं। इट कैन कैप्चर इमेज दैट आर प्लेस्ड ऑन इट एंड ट्रांसफर देम टू द कंप्यूटर। दस इमेज कैन देम बी सीन ऑन द मॉनिटर। ठीक है, अ स्कैनर कन्वर्ट पेपर इमेज इंटू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज। कन्वर्ट करता है स्कैनर पेपर इमेज को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इमेज में। इट कंटेंट्स अ विच कैमरा इज मेड अप ऑफ टीनी सेल कॉल्ड चार्ज कॉपल्ड डिवाइस। ईच सीसीडी ट्रांसमिट्स अ स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इमेज टू द कंप्यूटर। दिस सेल्स आर टू स्मॉल, सो स्मॉल दैट इट वॉन्ट would take more than 3000 CCDs to scan an image that is the size of a pinhead. There are three basic types of scanner. Scanner के three types होते हैं, उनके हम पढ़ते हैं। पहला हो गया फ्लैट बेड स्कैनर, दूसरा सीट फेड स्कैनर एंड तीसरा हैंड हेल्ड स्कैनर। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ स्कैनर इज द फ्लैट बेड स्कैनर विच हैज अ फ्लैट ग्लास बेड फॉर अस स्कैनिंग सरफेस, जो कि सरफेस को स्कैन करता है। वो हो गया हमारा फ्लैट बेड स्कैनर। आउटपुट डिवाइस, ये जो भी हमने पढ़ा वो क्या था, इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ योर वर्क आफ्टर योर इनपुट इज प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। ठीक है, आउटपुट क्या करता है, जो भी हम उसमें इंस्ट्रक्शन डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, वो हमें, वो तो इनपुट हम कर दिए, और आउटपुट क्या करता है, उस रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, यानी उस रिजल्ट को दिखाता है, हमने क्या दिया था, क्या अंदर प्रोसेस हुआ, और फिर हमारे रिजल्ट जो दिखता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, मॉनिटर।
इट मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है. इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. इट शोज द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर. मॉनिटर क्या करता है, जो भी हमारा काम हुआ रहता है उसको हमको स्क्रीन पे दिखाता है कि हाँ मतलब ये काम हुआ है, हो गया है, वो रिजल्ट हमें स्क्रीन पे शो करता है. द मॉनिटर कैन डिस्प्ले वर्ड्स पिक्चर टेबल नंबर ग्राफ्स एंड चार्ट्स. वो टेबल नंबर ग्राफ्स चार्ट्स पिक्चर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं. इन प्रेजेंट डे द LED मॉनिटर आर मोस्टली यूज्ड बाय द यूजर बिकॉज दे यूज वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड वेरी लेस स्पेस. आजकल हम लोग LED मॉनिटर यूज़ करते हैं जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है और बहुत कम स्पेस भी लेता है. कैन प्रिंटर, अ प्रिंटर हेल्प टू टेक प्रिंट आउट्स ऑफ द वर्क दैट यू विल डन ऑन द कंप्यूटर. प्रिंटर हमें क्या करता है, वर्क करता है किसी भी चीज़ को प्रिंट आउट करने में. ठीक है, अ प्रिंटर इज अ परमानेंट ऑफ हार्ड कॉपी. प्रिंटर से हमें हमेशा हार्ड कॉपी बाहर मिलता है, जो पेज बाहर था उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं. ऑफ यू वर्क, देर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटर इन द मार्केट टूडे डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ प्रिंटर. ठीक है, सम बहुत तरह के मार्केट में प्रिंटर्स अवेलेबल हैं आज के डेट में. सम प्रिंटर्स कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड वाइट. कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं जो बस ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट करते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रिंटर हैं जो कलरफुल प्रिंट निकालते हैं. ठीक है, थॉट मोस्ट प्रिंटर टूडे गिव कलर्ड प्रिंट आउट, जो कि बहुत सारे प्रिंटर हैं जो कलर्ड प्रिंट आउट निकालते हैं. लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटर. अब हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर टीनी हार्म स्ट्राइक एंड लिंक इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट द इमेज एंड टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ टीनी डॉट्स. द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड वाइट. जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो हमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर ही प्रिंट करके देता है, प्रिंट आउट करता है. ठीक है, दिस प्रिंटर आर वेरी स्लो एंड आउटपुट इज ऑफ अ लो क्वालिटी. ये प्रिंटर बहुत स्लो है और इसका आउटपुट बहुत लो क्वालिटी का, यानी लो क्वालिटी का होता है, ज़्यादा वो नहीं होता है, और ब्लैक एंड वाइट ही हमारा प्रिंटर हमें प्रिंट आउट करके देता है. ये कौन सा प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. सेकेंड है इंकजेट प्रिंटर. दिस प्रिंटर वर्क्स बाई स्प्रेइंग लिटिल ड्रॉप्स ऑफ इंक इन टू पेपर. छोटे छोटे ड्रॉप स्प्रे से ये इंक से हमारा काम करता है, पेपर पे प्रिंट करता है. इंकजेट प्रिंटर आर फास्ट एंड गिव हाई क्वालिटी प्रिंट आउट. तो इंकजेट प्रिंटर है वो हाई क्वालिटी का प्रिंट आउट निकालता है. ठीक है, दिस प्रिंटर कैन प्रिंट इन कलर एज वेल एज इन ब्लैक एंड वाइट. आप जैसा चाहेंगे वैसा निकालेगा, अगर आप कलर्ड चाहेंगे तो कलर प्रिंट आउट निकालेगा, और ब्लैक एंड वाइट चाहेंगे तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकालेगा. अंडरस्टैंड. थर्ड, लेजर प्रिंटर. दिस आर हाई स्पीड प्रिंटर्स दैट यूज लेजर प्रिंट लेजर लाइट द टू प्रोड्यूस प्रिंट आउट. ठीक है, वो लेजर लाउट से हमारा प्रिंट आउट प्रोड्यूस करता है. दिस कैन गिव ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड प्रिंट आउट. ठीक है, वो ब्लैक एंड वाइट और कलर भी प्रिंट आउट दे सकता है, और वो लेजर भी करता है. ब्लैक कलर्ड पाउडर कॉल्ड टोनर. जो ब्लैक कलर का पाउडर होता है जिसे लेजर बनाते हैं उसको हम टोनर बोलते हैं. इज यूज एज लिंक एज इंक इन दिस प्रिंटर. ठीक है, वो प्रिंटर में इंक के रूप में यूज होता है ब्लैक कलर पाउडर. द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज वेरी गुड. इस प्रिंटर का क्वालिटी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड होता है. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ. ठीक है, क्लास 4 लेसन नंबर 2. व्हाट राइट क्वेश्चन आंसर इन शॉर्ट. व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस आर द डिवाइस दैट हेल्प यू टू इंटर डाटा इन द कंप्यूटर. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले हेल्प्स टू डिस्प्ले द रिजल्ट. नेम थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स. थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर एंड स्कैनर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर. एंड स्कैनर है फ्लैट बेड स्कैनर, सीट फीड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर. राइट क्वेश्चन आंसर इन डिटेल. What do you mean by IPU cycle? A computer is an electronic machine that works in three steps. Takes data as input. Process the input according to the given instruction. Gives the result as output. ठीक है? How is a light pen used? A light pen is a pointing device. This pen can also be used directly on the screen for making drawing and or graphics. Define input and output device with suitable example. An input device sends information to a computer system for
processing and an output device reproduce or display the result. For example, input device keyboard, output device monitor and processing CPU. जैसा आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी देख लिया, अभी हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। अब आपको क्या करना है, इस जो भी क्वेश्चन आंसर आप लोग इस वीडियो में देखेंगे उसको आप एक नोटबुक लीजिए घर पे और उस पर एक फेयर कॉपी बनाइए, जो स्कूल खुलने के बाद आफ्टर कोरोना वायरस स्कूल खुलेगा ना लॉकडाउन के बाद, उसके बाद स्कूल में आपका फेयर कॉपी चेक किया जाएगा। तो आप लोग घर पे याद कीजिए और क्वेश्चन आंसर बनाइए। थैंक यू।